हेलो व्यूअर्स, आगरा डिवीजन द्वारा प्रस्तुत एक्सीडेंट इंक्वायरी केसेस के दूसरे वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम चांडिल स्टेशन में हुए एक लोको के डिवेलपमेंट के केस के बारे में अध्ययन करेंगे। ये घटना चांडिल स्टेशन में दिनांक 8 जून 2021 को हुई थी। चांडिल स्टेशन हमारे आगरा डिवीजन में पुरुलिया चांडिल डबल लाइन सेक्शन में स्थित एक स्टेशन है, जिसकी एक और चक्रधरपुर डिवीजन में स्थित मानिकपुरी स्टेशन है और दूसरी ओर पुरुलिया छोर में स्थित नीमडी स्टेशन है। तो चांडिल स्टेशन में 8/6/2021 को लाइन नंबर 5 से एक इलेक्ट्रिक लाइट इंजन को पुरुलिया की ओर भेजना था। इसके लिए इस पॉइंट नंबर 41 को सेट करके एक नॉन सिग्नलिंग मूवमेंट होता, जो कि एक यहां पर पॉइंट नंबर 41 बी पॉइंट में एक डेडलिंग स्विच लगा है, तो ये नॉन सिग्नलिंग मूवमेंट होता। इसके लिए एक रिटर्न अथॉरिटी दे करके इस गाड़ी को पुरुलिया की ओर चला देना था। लेकिन घटना ये हुई, स्टेशन मास्टर ने रिटर्न अथॉरिटी मेमो 5/T/511 को तैयार किया और उसमें इस बात को भी मेंशन किया है कि ये पॉइंट अच्छी तरह से सेट करके क्लैंप एंड पैडलॉक कर दिए गए हैं और स्टेशन स्टाफ को दिया, जिसने जाकर के लोको पायलट को दिया है और लोको पायलट ने भी गाड़ी को स्टार्ट करके वो आगे बढ़ के चले गए। जबकि इस केस की इंक्वायरी होने से इस बात का पता चला कि उस समय यह पॉइंट ठीक से सेट नहीं था, यानी पॉइंट खुला हुआ था। डीएस पॉइंट जो होता है, यानी डिरेलिंग स्विच, इसे हम कहते हैं डिरेलिंग स्विच। डिरेलिंग स्विच जो है एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें एक स्टॉक रेल कंटिन्यूअस होकर के जाके दूसरी लाइन में मिल जाता है, जबकि दूसरा स्टॉक रेल एक शॉर्ट एंड में जाके खत्म हो जाता है और वहां पर एक टांगरेल होता है जो मूवेबल होता है। अभी आप जो देख रहे हैं यह टांगरेल ओपन कंडीशन में है, इसको अगर हम सेट कर देंगे रिवर्स में तो ये सेट हो जाएगा, जिसमें अभी अगर यहां पर से हम एक मूवमेंट कराएंगे किसी गाड़ी का तो ये गाड़ी चढ़ के इधर चली जाएगी। लेकिन अगर ये टांगरेल खुला हुआ हो, तो ये टांगरेल अगर खुला हुआ है, यहां पर गैप है, तो ये गाड़ी को अगर इसके ऊपर से चलाया जाए तो ये गाड़ी जो है यहां पर जाकर के यहां पर इसका चक्का व्हील्स यहां पर चले आएंगे और ये डिरेल हो जाएगी। ये यही घटना इस केस में हुई है। ये टांगरेल जो है प्रॉपरली सेट नहीं था और यहां पर जाकर के इन लोगों का डिरेलमेंट हो गया। तो ऐसी घटना कैसे हो जाती है? ऐसी घटना तब होती है जब प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। जो नॉन सिग्नलिंग लाइन से मूवमेंट करने की अथॉरिटी है, अथॉरिटी नंबर T511, इस अथॉरिटी को भरने से पहले ऐसे पॉइंट्स को जो नॉन सिग्नल पॉइंट हैं, जिनके साथ सिग्नल का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ऐसे पॉइंट्स को अच्छी तरह सेट करके क्लैंप और पैडलॉक करने के बाद ही इस तरह की अथॉरिटी जारी की जानी चाहिए। चाहे अथॉरिटी नंबर T511 हो, अथॉरिटी नंबर T3693B हो, जो सिग्नल फेलियर के केसेस में जारी किया जाता है, इस केस में भी पॉइंट का प्रोटेक्शन सर्टिफाइड नहीं होता है, तो पॉइंट्स को सेट और क्लैंप करके ही मूवमेंट शुरू करना चाहिए। या T509 में नॉन सिग्नल लाइन अथवा ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन में ट्रेन के रिसेप्शन का केस हो, तो उस केस में भी पॉइंट को प्रॉपरली सेट करके क्लैंप करने के बाद, पैडलॉक करने के बाद ही ये अथॉरिटी जारी की जानी चाहिए और मूवमेंट को शुरू किया जाना चाहिए। अगर हमारे स्टेशन स्टाफ, हमारे स्टेशन मास्टर्स और हमारे लोको पायलट्स एवं गार्ड अगर इन बातों का ध्यान रखें और पॉइंट की स्थिति को देखकर ही मूवमेंट कराएं, तो इस तरह की घटना और दोबारा नहीं होगी। इस केस की ज्वाइंट फाइंडिंग इंक्वायरी में ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर, ऑन ड्यूटी स्टेशन स्टाफ और गाड़ी के लोको पायलट को रिस्पॉन्सिबल माना गया।
और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए हम ये आप लोगों से अपील करते हैं कि इन सेफ्टी रूल्स का वायलेशन ना करें और इन सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तरीके से ट्रेन का ऑपरेशन सुनिश्चित करें। थैंक यू। इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।